अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है 990 कंट्रोलर के टिप्स और ट्रिक्स। आज मैं जितने भी इसके पैरामीटर्स हैं, इन सब के पैरामीटर की डिटेल और इसकी जो ऑपरेटिंग के शॉर्टकट्स हैं, आज वो हम डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। और जितने भी इसके ट्रिक्स हैं वो सारे आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम पैरामीटर से ही स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले यूज़र पैरामीटर, जो यूज़र पैरामीटर है इसमें जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं, यूज़र एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी सीएनसी कंट्रोलर के ऊपर ऑपरेटर है, यूज़र है, उससे रिलेटेड जो है ना, वो अपने जितने भी पैरामीटर है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें G71, 72, कटिंग टाइम, ठीक है, जो भी जी कोड मेथड को समझता है, ठीक है, वो इसे इजीली हैंडल कर लेगा। कंट्रोलर इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो पैरामीटर नंबर 33 और 34 है। 33 में हम जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है, M03 और M04, ठीक है, डिटेक्ट द स्पिंडल स्पीड, M69 रिले, मतलब यानी कि अगर M69 पिन के ऊपर हमने अगर इनपुट दी होगी तो वो फिर जो है वो स्पिंडल को प्ले करेगा। अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं तो फिर वो इनकोडर फीडबैक को लेगा, और इनकोडर फीडबैक है, सपोज़ अगर आपने 1000 RPM एंटर किए हैं, ठीक है, तो वो जब तक 1000 पूरे नहीं होंगे तब तक वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है, 1000 RPM कंप्लीट होने के बाद ही वो प्रोग्राम को रन करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 8 कर देता हूँ तो वो इसको पढ़ेगा, इनकोडेड फीडबैक को रीड करेगा। इसके बाद 34 पैरामीटर है, द एरर ऑफ द स्पिंडल स्पीड इज़ डिटेक्टेड बाय द इनकोडेड फीडबैक। अच्छा, अब सपोज़ मैंने अगर 1000 RPM एंटर किए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 300 एंटर कर दूँगा तो फिर 300 RPM का जो डिफरेंस है ना, उस हिसाब से वो स्पिंडल चल पड़ेगा। सपोज मैंने 1000 RPM एंटर किए, RPM 700 पे पहुँचे हैं, तो फिर उसके बाद वो साथ ही जो रन कर देगा। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे 500 एंटर कर दूँ, ठीक है, तो जब RPM मैंने 1000 एंटर किए वो 500 तक रीच करेगा तो फिर वो साथ ही प्रोग्राम चल पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 50 एंटर कर दूँ, ठीक है, तो अगर 1000 मैंने RPM एंटर किए हैं तो वो जब तक RPM 950 तक पहुँचेंगे तो फिर वो स्पिंडल जो है ना उसकी रीडिंग जाएगी, फिर प्रोग्राम रन करेगा। ये पैरामीटर की डिटेल थी। जबकि मैं नॉर्मल प्रैक्टिस में यहाँ पे 300 एंटर करता हूँ 34 नंबर पैरामीटर में, ठीक है, यूज़र पैरामीटर में ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर था, ठीक है, और ये 231 पैरामीटर में डिलीट और बैकवर्ड का पैरामीटर है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जे को हम प्रेस करेंगे तो हम स्पीड पैरामीटर में चले जाएंगे। स्पीड में इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है वो एक्स और जेड है, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम मैनुअल मैक्सिमम फीड है, ठीक है, ये मैं नॉर्मली 12000 mm/min इसका यूनिट है, यहाँ भी 12000 में एंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद आता है जनाब ऑटो मैक्सिमम स्पीड, ऑटो पे मैक्सिमम स्पीड इसकी 12000 एंटर कर देते हैं। फिर जनाब हम G1 G2 G3 की ये नल स्पीड 10000 ही, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाती हैं जनाब आपका ये एक्सेलरेशन, एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन है, ये आपका नॉर्मली 50000 लगते हैं। अगर तो आपने स्टेपर मोटर इस कंट्रोलर के साथ लगाई है तो फिर हम इसका मैक्सिमम 10000 रखते हैं। अगर आपने सर्वो लगाई है तो ऑलमोस्ट 50000 इज़ ओके।
तो मैं अभी 50,000 ही इसे रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आता है हैंड व्हील, ये हैंड व्हील का एक्सेलरेशन है, हैंड व्हील जो ग्रेजुअली स्लोली स्पीड को इंक्रीज करता है, ये उसका पैरामीटर है। फिर एक्स और जेड की स्पीड लिमिट है इसकी हैंड व्हील पे, ये हैंड व्हील को जब आप यूज़ करेंगे तो उस पर अलग से इसकी जो है ना वो स्पीड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो तीन पैरामीटर, ये थ्रेडिंग से रिलेटेड पैरामीटर है, मेक थ्रेड एक्स, ये 23, 24, 25 और 26, ये चार पैरामीटर जो है ना, और ये वाला मेक थ्रेड 22 से लेके 26 तक, ये थ्रेड से रिलेटेड पैरामीटर है। तो नॉर्मली जब थ्रेडिंग करते हैं तो अक्सर वो मशीन जो है ना वो जर्क लेती है, तो इस जर्क को ख़त्म करने के लिए इन पैरामीटर्स की एडजस्टमेंट होती है। फिर उसके बाद ये कर्व है, इसको हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ये होमिंग की स्पीड्स आ गई, ठीक है, ये होमिंग फास्ट होमिंग की स्पीड है और ये स्लो होमिंग की स्पीड है। फिर G96 मिनिमम स्पीड। फिर इसके बाद आ जाते हैं ये स्पिंडल गियर की स्पीड्स हैं। नॉर्मली ये M41 पे ये फर्स्ट की यूज़ होगी, M42 पे सेकंड, M43 पे थर्ड और M44 पे फोर्थ स्पिंडल स्पीड जो है ना वो ये यूज़ होती है। काया जितने भी इसके रिमेनिंग पैरामीटर्स हैं स्पिंडल में, ये नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग को यूज़ किया जाता है, इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं एक्सिस पैरामीटर में। एक्सिस में ये फीड एक्सिस बैंड स्विच है, बैंड स्विचेस कहते हैं जो सिलेक्टर स्विच हम यूज़ करते हैं ना फीड को कम ज़्यादा करने के लिए, नॉर्मली फनों के कंट्रोलर पर लगे होते हैं, तो ये उसको अगर आपने शिफ्ट करना है ना तो ये वो बैंड स्विच उसको कहते हैं। ये वाला जो एक नंबर है ये बैंड स्विच है वो फीड के लिए है, और दूसरा जो है वो उसके लिए स्पिंडल स्पीड को अगर आप जो है ना सिलेक्टर स्विच से अगर उसकी कम करना चाहते हैं तो उसके लिए है। और ये जो स्पिंडल एंड G0 बैंड स्विच, अगर इन दोनों में से किसी एक ही सिलेक्शन आपने करनी है तो उसकी ये ऑप्शन है टू नंबर पैरामीटर। वन मीन स्पिंडल को सिलेक्ट करेगा, अगर अगर आप और अगर आप टू करेंगे तो वो रैपिड को सिलेक्टर स्विच से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो उसे करेगा। इसके बाद आ जाते हैं ये एक्स एक्सिस के जो बेड का ट्रैवल है ना, ये वो है प्लस में और माइनस में, ये जेड एक्सिस का ट्रैवल है जिसको ये पॉजिटिव नेगेटिव स्कोप कहता है। फिर इसके बाद स्पिंडल चेक है, मतलब इसको वो स्पिंडल एनकोडर को चेक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप यहाँ से एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं 9 नंबर से। फिर इसके बाद आता है ये सॉफ्ट लिमिट, आप सॉफ्ट लिमिट यूज़ करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो सबको ज़ीरो कर दें तो ये आपकी सॉफ्ट लिमिट जो है वो यूज़ करेगा। रिवर्स कंपनसेशन, ये एक्स एक्सिस रिवर्स कंपनसेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। इस पैरामीटर में अगर आप किसी भी मशीन की बैकलैश एंटर करना चाहते हैं तो वो माइक्रोन में एंटर होगी और वो एक्स एक्सिस की रेडियस में एंटर होगी। करंटली हम 2-axis लेस का कंट्रोलर का रिव्यू कर रहे हैं, तो इसलिए ये बात बताना ज़रूरी है कि एक्स एक्सिस रिवर्स कंपनसेशन माइक्रोमीटर UM रेडियस, रेडियस में जो है ना आपकी वैल्यू एंटर होगी, डायमीटर में नहीं होगी। तो जेड एक्सिस में रिवर्स कंपनसेशन, ये जेड एक्सिस की बैकलैश बाल से क्योंकि यहाँ पे एंटर होगी, ये एक्स और जेड एक्सिस के डायरेक्शन के सिग्नल हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गेयर रेशो है, इलेक्ट्रॉन गेयर रेशो की सेटिंग दो तरीकों से होती है। एक तरीका तो ये है कि आप सर्वो ड्राइव के थ्रू करें, दूसरा तरीका है कंट्रोलर के थ्रू करें, ठीक है। अगर आप कंट्रोलर से करना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन गेयर रेशो की ये नॉमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, पॉजिटिव लिमिट होगी, ये फ्लोट बिट ज़ीरो, फ्लोट बिट ज़ीरो यूज़ किया जाता है जब आप एब्सोल्यूट मोटर्स को यूज़ करें तो फ्लोटिंग होम को यूज़ किया जाता है,
ठीक है, तो उसके लिए हम क्योंकि मैकेनिकल ज़ीरो यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंटल कंट्रोलर रेगुलरली कॉमन प्रैक्टिस हमारी यही है, हम इंक्रीमेंटल कंट्रोलर को यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ से इसको ज़ीरो ही कर देंगे फ्लोट बिट के। इसके बाद जनाब यहाँ पे है कि जब हम इसे इस पैरामीटर को यूज़ करते हैं, इसको हम नाइन कर देते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस हमारी यही है कि जब मशीन ऑन हो तो तभी होमिंग की जो है ना वो कंपलसरी कर देता है कि आप होम करेंगे तो मशीन रन होगी, कंट्रोलर आगे अपनी वर्किंग पोजीशन में आएगा। ये होमिंग का मोड है, ये बहुत ही होमिंग का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप ज़ीरो सेलेक्ट करेंगे तो रिवर्स चेक करेगा, इट मींस के वो पल्सेस दो तरह की होती है, एक जेड पल्स है, एक ए पल्स, बी पल्स, और तीसरी जेड पल्स होती है इंक्रीमेंटल इनकोडर में। तो ये जी पल्स को ना चेक करेगा जब रिवर्स होमिंग करेगा, ठीक है। और अगर आप वन कर देंगे तो वो सिर्फ मैकेनिकल जो स्विच लगा होता है एक लिमिट स्विच, उसके थ्रू ही होम होगा, वैसे ये जेड पल्स को चेक नहीं करेगा। तो हम नॉर्मल प्रैक्टिस में इसे जो है वो वन ही कर देते हैं। ये होमिंग की डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन में होम होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 45 30 नंबर पैरामीटर में कि जो अगर हम जी पल्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पे हम जी पल्स बाल सिक्रियो की आपकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। बाल सिक्रियो सपोज़ अगर आपका 10 mm पिच का बाल सिक्रियो है तो यहाँ पे हम जेड पे हम 100 एंटर करेंगे, ठीक है। और एक्स में अगर 5 की पिच का बाल सिक्रियो है तो यहाँ 50 एंटर करेंगे, क्योंकि इसका यूनिट जो है वो 0.1 mm का है। अगर 50 mm करेंगे तो 5 mm के इक्वल होगा, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे एंटर करेंगे 50 वैल्यू। अगर 5 mm पिच का आपका बाल सिक्रियो है, क्योंकि वो उसके अंदर ही 5 mm के अंदर ही आपकी जेड पल्स को सर्च करेगा, ठीक है। ये ऑफसेट है होमिंग के बाद, अगर आप पॉइंट शिफ्ट करना चाहते हैं होमिंग को तो ये उसके लिए पैरामीटर है। नॉर्मली हम इसे ज़ीरो ही सेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पैरामीटर्स हैं ये नॉर्मली डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही हम यूज़ करते हैं। क्या आ जाते हैं आगे, क्यू में हम जाएंगे टूल पैरामीटर की सेटिंग में। अगर हम कोई टूलिंग का फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं इस पैरामीटर को तो हम इसे वन कर देंगे तो फिर हमारा टूल का फंक्शन यूज़ होगा, ठीक है। तो दूसरा टरट को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं हाइड्रोलिक टरट, तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि 20 को अगर हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्टिव टूल मोड 1 मीन नॉर्मल, 0 मीन कोडिंग टरट। कोडिंग मीन ये हाइड्रोलिक टरट, या आप खुद ही कस्टम टरट उसका प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हैं तो भी यहाँ से इसको हम ज़ीरो कर देंगे तो फिर वो पैरामीटर एंटर होगा। हम इसे चेक करें तो आप डायग्नोसिस में जाएंगे और यहाँ से एन को हम प्रेस करेंगे, ठीक है। वो पासवर्ड मांगेगा है, 6 times 1 हम एंटर करेंगे, ये इसका पासवर्ड है। यहाँ से हम टूल के मैक्रो प्रोग्राम में एंटर होना चाहते हैं, यहाँ हम टी एंटर करेंगे और साथ ही एंटर करेंगे, ये इसका मैक्रो प्रोग्राम आ गया। तो यहाँ से हम कोई भी कस्टम प्रोग्राम बना के टरट का, हम किसी भी किस्म का टरट हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। और अगर आप रेगुलर चाइना का कोई भी टरट यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप वन कर दें तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है किसी भी टरट को यूज़ करने के लिए। तो क्या ये एक इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, इसको हम एडिट नहीं करेंगे। इसके बाद अदर पैरामीटर, अदर में अगर आप हैंड व्हील को अगर एक्टिव कर रहे हैं तो इसको हम वन कर देंगे तो हैंड व्हील आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ये लुब्रिकेशन का ऑटो पैरामीटर है, यहाँ से लुब्रिकेशन का टाइमर यहाँ से कंट्रोल होगा। ऑटो पार्ट काउंट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं ये 10 नंबर उसके लिए है। अगर आप अलार्म्स हैं, ये अलार्म्स के ओपन नॉर्मली गोज, ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है।
17, 18 और 19, 17, 18 और 19 ये पैरामीटर है आपकी, कि आप जो अलार्म सिग्नल है उनको अगर आप करना चाहते हैं नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज, सिग्नल की जो है वो टाइप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से होगा। ये देखें मैंने इसे नॉर्मली ओपन कर दिया, डायग्नोसिस में देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा, हमने इसे नॉर्मली क्लोज़ किया तो साथ ही एक्सेस के अलार्म कंट्रोलर ने शो करना शुरू कर दिए हैं, तो यहाँ से हम इसे ज़ीरो कर देंगे नॉर्मली ओपन पे। ये स्पिंडल का अलार्म है, ठीक है, और ये टूल का कोई भी अलार्म है, ठीक है। यहाँ से चक को कंट्रोल करना है, ये टेल स्टॉक को कंट्रोल करने का पैरामीटर है आउटसाइड, ये नहीं। अगर आप ये 21 नंबर है, इसके लिए अगर आप सिंगल या डबल सिग्नल यूज़ करना चाहते हैं, कुछ हाइड्रोलिक वाल होते हैं वो सिंगल हैं, कुछ डबल होते हैं। अगर डबल वाल हैं और अगर उन वाल्स को आप अलग अलग सेपरेट रिले से कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पैरामीटर है, ठीक है। इसी तरह चक का अगर आप पैडल स्विच यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसे आप ऑन कर देंगे तो पैडल स्विच के सिग्नल को यहाँ से सिग्नल से हम कंट्रोल कर सकते हैं। पैडल स्विच को करने का M16 इनपुट है, ये M16 इनपुट ये पैडल स्विच के लिए है, ठीक है, पैरामीटर में गए वापस। इसी तरह टेल स्टॉक को कंट्रोल करना है अगर आपने पैडल स्विच से, तो उसका ये 23 पैरामीटर है, ठीक है। बकाया ये रेगुलर पैरामीटर्स हैं जो कि हम एक नॉर्मल प्रैक्टिस में एडिट करते हैं। अगर आपको डिटेल कोई इस कंट्रोलर से रिलेटेड का इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो मैं फिर जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उसके मुताबिक मैं डिटेल वीडियो इसकी बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।